हेलो फ्रेंड्स, आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी ट्री का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तस्वीर हमारे पास ओपन है और इस तस्वीर के बैकग्राउंड में हमारे पास स्काई है। तो सिंपली यहां से हम डबल क्लिक करेंगे, यहां पर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर जाएंगे और यहां से हम ब्लेंडिंग एफ को ब्लू रखेंगे और जो वाइट एंगल है इसको हम यहां से डिक्रीज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड स्काई रिमूव हो गया है और जो हमारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड स्काई है वो पीछे साफ नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी एजेस आप देख सकते हैं कि बहुत हार्ड है, तो यहाँ पर सिंपली अल्ट प्रेस करते हुए इस एंगल पर क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा और इस एक पार्ट को यहाँ पर थोड़ा दूर लेके जाएंगे ताकि हमारे पास एजेस सॉफ्ट आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लेयर के थंबनेल पर देखेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल बैकग्राउंड स्काई है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने रिमूव कर दिया है। तो इसके लिए यहाँ से मेन लेयर को कंट्रोल लेयर से डुप्लीकेट करेंगे और इसको स्काई के ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर देंगे और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, यहाँ पर वाइट कलर लेंगे और सिंपली जहाँ से भी रिमूव हुआ है वहाँ पर हम पेंट करेंगे तो वो हमारे पास बैक आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये था बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी ट्री का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।